कितनी अजीब बात है, मरे हुए लोग भी जिंदा होने लगे। अक्षय भैया का कहना है कि उन्होंने सिद्ध को देखा। वेरी स्ट्रेंज, ममता का अचानक घर से गायब होना और सिद्ध का यूं दिख जाना, दोनों में कोई रास्ता है। बस भी करो करण, तुम ममता के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। हो सकता है कि अक्षय भैया को धोखा हुआ हो। हो सकता है धोखा हुआ हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि धोखा नहीं हुआ हो। और अगर सिद्ध वाली बात सच हुई तो सोचो जरा, ममता का यूं बिना बताए घर से चला जाना और सिद्ध का यूं दिखना, तुम्हें नहीं लगता ये सब पहले से प्लान किया गया हो? तुम्हें क्यों लगेगा, तुम सबकी आंखों में तो ममता ने एक ऐसी पट्टी बांध दी है कि उसकी अच्छाइयों के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। तुम बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ करण। एक तो पहले ही ममता को लेकर इतनी टेंशन है, ऊपर से तुम्हें एक और नई बात, तुम पुरानी बातों को भूलने की क्यों नहीं कोशिश करते? भाई मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उसे क्यों नहीं भूल जाती? उसकी वजह से इस घर में सारी प्रॉब्लम हुई है, उसे भूल जाओ सब ठीक हो जाएगा। तुम औरों की चिंता मत करो, ममता की वजह से किसी को कोई टेंशन नहीं है। अभी नहीं है तो हो सकती है, और अगर सिद्ध वाली बात सच हुई और ममता और सिद्ध, यू नो व्हाट आई मीन। तुम क्यों अपनी तरफ से कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हो करण? अक्षय भैया ने किसी और को देखा होगा। क्या इस दुनिया में एक ही शक्ल के दो इंसान नहीं हो सकते? मुझे तो लगता है कि अक्षय भैया का वहम है। वहम? कल को अगर ममता सिद्ध के साथ दिख जाएगी तब भी तुम उसे वहम ही कहोगे? फिर से कहो, ये भी तो हो सकता है कि एक ही शक्ल के दो कपल हो, है ना? बस कर, बहुत हो गया। वो सिद्ध नहीं था, अक्षय भैया ने किसी और को देखा। मुझे अब तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी। गुड नाइट। गुड नाइट शाना, ये दिन है रात नहीं। लगता है तुम्हें भी वहम होने लगा है।